हेलो प्यारे बच्चों, हमारी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, उसी क्रम में व्यतिकरण की ये दूसरी वीडियो है। समान आवृत्ति वाले दो आयामों, दो तरंगों के आयामों, आयाम कहा जाता है स्मॉल ए को, और का अनुपात, इसका मीन्स हुआ स्मॉल ए वन अपॉन स्मॉल ए टू बराबर कितना है 4/9। अनुपात आयामों का, आयाम कहा जाता है ए को, तो ए वन अपॉन ए टू, क्योंकि दो तरंगे हैं तो ए वन अपॉन ए टू बराबर 4/9। आगे क्या कह रहा है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता, तीव्रता कहा जाता है आई को। अब अनुपात ज्ञात करना है किसका, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का। तो अधिकतम मैक्सिमम, अधिकतम मीन्स मैक्सिमम एम ए एक्स लिख दिया जाएगा, और न्यूनतम मीन्स मिनिमम यानी एम आई एन, ये हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल सूत्र होता है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर बराबर। अब इसमें क्या है, सामने वाला ए वन कह देंगे, सामने वाला ए टू कह देंगे, तो ए वन 4 प्लस ए टू कितना कह देंगे 9, इसका होल स्क्वायर बटा ए वन कितना कह देंगे 4 माइनस ए टू कितना कह देंगे 9, इसका होल स्क्वायर। हालांकि हम यहां से ए वन का मान निकालेंगे अगर चाहें तो 4 a2 upon 9 यहां लिख दिया जाएगा ए वन की जगह, लेकिन डाटा यही निकल के इतना ही आता है ऐसे ही। तो बराबर 4 और 9 कितने होगा 13 का स्क्वायर बटा ये होगा माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इस साइड कर देते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर 13 का स्क्वायर, 13 × 3 = 169 और बटा माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना आ गया 169:25, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है, तीव्रताओं में, तीव्रता कहा जाता है आई को, तीव्रता किसे कहा जाता है आई को, इसका मीन्स आई वन अपॉन आई टू जो है वो है 25/16। आगे क्या कह रहा है, उनके आयामों में क्या अनुपात होगा, आयाम कहा जाता है ए को, तो ए वन अपॉन ए टू हमसे पूछा गया है। उसके बाद यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात क्या होगा, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं में, तीव्रता कहा जाता है आई को, यानी आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र पहले ए वन अपॉन ए टू ज्ञात करना है। अब आई जो होता है वो समानुपाती होता है ए स्क्वायर के, यहाँ से जो सूत्र निकल के आता है, यहाँ से जो सूत्र निकल के आता है वो होता है आई वन अपॉन आई टू बराबर ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कह दें या ए वन स्क्वायर बटा ए टू स्क्वायर कह दें, वो बात एक ही है। आई वन अपॉन आई टू का ये मान यहाँ पर रख दिया जाएगा 25/16 बराबर ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर, वर्गमूल ले लिया जाएगा क्योंकि इधर होल स्क्वायर है इसलिए वर्गमूल, जब वर्गमूल लिया जाएगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में 25/16 बराबर कितना बचेगा ये ए वन अपॉन ए टू, क्योंकि इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो ए वन अपॉन ए टू मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ए वन अपॉन ए टू बराबर 25 का 5 और बटा 16 का 4, यह आ जाएगा 5:4, 5/4। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर, सूत्र अभी पिछला ही करा है सवाल, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। तो ए वन प्लस ए टू हमने ये ज्ञात कर लिया, ए वन कितना है 5, सामने वाला लिख देते हैं 5 + 4 का होल स्क्वायर बटा 5 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लिया जाएगा, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 का स्क्वायर बटा 5 में से 4 गए तो 1 का स्क्वायर, 9 * 81 / 1 = 1 कितना हो जाएगा, यानी बराबर 81:1, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रता कहा जाता है आई वन अपॉन आई टू को बराबर 16/9
और व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं, महत्तम यानी आई मैक्सिमम अपॉन न्यूनतम यानी आई मिनिमम, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए वन अपॉन ए टू ज्ञात किया जाएगा। जो पिछला सवाल था उसमें ए वन अपॉन ए टू ज्ञात किया था, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम। पहले ए वन अपॉन ए टू ज्ञात किया जाएगा, कितना आ जाएगा 4/9। उसके बाद आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का सूत्र लगा दिया जाएगा, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर बटा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। तो सेम बिल्कुल पिछला सवाल जो था उसी की तरह उतना ही बड़ा सवाल होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह ये सवाल अपने आप करना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब 2 मिमी की दूरी पर स्थित 2 पतली स्लिटों, अब स्लिटों के बीच की दूरी या झर्रियों के बीच की दूरी या छिद्रों के बीच की दूरी जब दिख जाती है तो हमेशा स्मॉल डी का मान होता है, छोटे वाले डी का, कितना है 2 मिमी। 2 मिमी, अब मिमी कभी भी ज़िंदगी में दिख जाए इसे हटा देते हैं हमेशा और 10^-3 से गुणा कर देते हैं, ये मीटर बन जाता है। मीटर क्या बन जाता है? मीटर। स्थित 2 पतले स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य शब्द दिखते ही लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम हटा देंगे, कभी भी ज़िंदगी में एंगस्ट्रम दिख जाए, एंगस्ट्रम तुरंत 10^-10 से गुणा कर दी जाती है, ये हो जाता है मीटर। 3 जीरो इसे ऊपर लेके जाएंगे, घात में जीरो जो होते हैं इसे घात में लेके चले जाते हैं, 3 जीरो + 3 हो जाएंगे यहाँ पर, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा 6×10^-10 और ये 3 जीरो + हो जाएंगे +3 मीटर। ये कितना बचेगा फिर? लैम्डा बराबर 6×10^-10 है, +3 है, माइनस के ज़्यादा हैं तो -7 मीटर बचेगा। आगे क्या कह रहा है? स्लिटों से 30 सेमी दूरी पर रखे पर्दे पर, स्लिटों से पर्दे पर, यानी स्लिटों से पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी जो होती है वो हमेशा कैपिटल डी होती है, कैपिटल डी बराबर 30 सेमी। और सेमी कभी भी आ जाए, कभी भी सेमी, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं हम जानते हैं, 100 सेमी होते हैं, लेकिन हमें सेमी को मीटर में बदलना है, यानी सेमी को मीटर, तो 100/ में आ जाएंगे इसके, 1/100 मीटर कितना हो जाएगा 1 सेमी। अब ये 1/100 को हम 10^-2 भी कह सकते हैं कि ऊपर जाके 2 जीरो का हो जाएंगे 10^-2 के। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, कभी भी सेमी आ जाए तो इसे चेंज करने के लिए 10^-2 से गुणा करी जाती है, ये मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये मीटर बन जाता है। आगे क्या कह रहा है? फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है डब्लू को, डब्लू का मान हमें ज्ञात करना है। इस साइड कर लेते हैं सवाल, डब्लू का मान ज्ञात करना है तो सीधा सीधा सूत्र होता है, इसका डेरिवेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेरिवेशन फ्रिंज की चौड़ाई वाला। तो डब्लू बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये सूत्र हमने लगा दिया, डब्लू बराबर जगह पर मान रख दिए जाएंगे, कैपिटल डी का मान कितना, 30×10^-2, 30×10^-2, कोई सा निशान नहीं बीच में तो गुणा का निशान, अब लैम्डा का मान रख दिया जाएगा, लैम्डा ये है 6×10^-7 अपॉन स्मॉल डी का मान रख दिया जाएगा, स्मॉल डी का मान ये है 2×10^-3, 2×10^-3, 2 से काट देंगे इसे, 2×3 = 6, जगह पर मान रख दिए बस, 3 की इससे गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 30×3 = 90, 3×3 = 9 और ये 0 ऐसे ही, 10^-2 और ये -7, ये नीचे से -3 जब ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 3 + काहे के हो जाएंगे, ये प्लस के। अब W बराबर कितना बचेगा, 90×10^ -7 और -2 -9 + 6 तो -7 -2 -9 + 3 है तो -6 बचे। अब ये 0 भी ऊपर पहुंचा देंगे तो 9×10^-6 ऊपर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा, 10 जो है, W बराबर आ जाएगा 9×10^-5 और मात्रक होता है इसका मीटर, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आज हमने सवाल किए काफ़ी व्यतिकरण के, बढ़िया। आगे को अगली वीडियो में जो है इसी W के यानी फ्रिंज की चौड़ाई के जो अच्छे लेवल के सवाल हैं, जिसमें काली फ्रिंज की दूरी, दीप फ्रिंज की दूरी, ये सभी तरह के सवाल नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।